हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फॉर योर टर्म टू बोर्ड एग्जाम। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, सो डोंट स्किप द वीडियो, सी द वीडियो टिल एंड। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। So first question is here students, how much work is done in moving a charge of 6 coulomb from a point at 120 volt to a point at 132 volt? यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना work done करना पड़ेगा, एक charge को move कराया जा रहा है एक point से दूसरे point पे, और फर्स्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 120 वोल्ट का, और सेकंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है 132 वोल्ट का, ठीक है। और जो चार्ज मूव कराया जा रहा है उसकी वैल्यू है कितनी, 6 कूलम, ठीक है। अब बच्चों हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। सिंपल जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, हमको वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पोटेंशियल दिया है और चार्ज की भी वैल्यू दी है, ठीक है। ये जो वर्क डन है ना, यही हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। अब पहले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 120 वोल्ट का, और दूसरे पॉइंट पे 132 वोल्ट का, ठीक है। बच्चों जो चार्ज मूव करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो जो चार्ज मूव करेगा 6 कूलम का वो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव करेगा, क्योंकि बी पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है इन कंपैरिजन टू पॉइंट ए, ठीक है। तो यहां से बी से ए पर 6 कूलम का चार्ज ले जाने में कितना वर्क डन होगा वही हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं सिंपली। देखो यहां पे क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, VB माइनस VA, पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो यहां पे कितना हो जाएगा 132 माइनस 120 और ये आ जाएगा कितना 12 वोल्ट, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है फाइनली वो कितना आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और पोटेंशियल है हमारा 12 वोल्ट इंटू चार्ज की वैल्यू है 6, ये कितना आ जाएगा 72 जूल। तो जो वर्क डन होगा 6 कूलम के चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले आने में वो कितना होगा, 72 जूल होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये कह सकते हैं कि इंफिनिटी से किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस 1 कूलम का, ठीक है। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ठीक है। ये जब Q की वैल्यू आप क्या रखोगे, प्लस 1 कूलम रख दोगे ना, तो यही क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W हो जाएगा यहां पे, ठीक है। और यहीं से डिफाइन करते हैं हम किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि किसी एक पॉइंट से प्लस 1 कूलम के चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड यूज्ड एज अ बैटरी इन अ सर्किट। यहां पे कह रहा है कि 3 2 वोल्ट के सेल्स हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनको एज अ बैटरी सर्किट में यूज किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पीडी एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी।
क्या होगा पेन ड्राइव सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 2 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू वन सेल ऑल थ्री सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बैटरी के टर्मिनल्स पे, ठीक है, और जो सेल है वो कितना वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 3 सेल सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब बच्चों सिंपली आप क्या करोगे कि सीरीज में कनेक्टेड है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के टर्मिनल्स पे वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तीनों सेल का जो पोटेंशियल उसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में हम इसी तरीके से सम करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 = आ जाएगा 6 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6 वोल्ट, मींस बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पीडी होगा दैट इज 6 वोल्ट का। सेकेंड में कह रहा है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 2 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू वन सेल ऑल थ्री सेल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि जब एक सेल से 2 कूलम के चार्ज को पास करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और जब तीनों सेल से 2 कूलम के चार्ज को पास करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहां पे हमको सिंपली फॉर्मूला पता है, V = W/Q। ठीक है, अब यहां पे V दिया है, V क्या है, ये सेल का पोटेंशियल है 2 वोल्ट जो हर एक का दिया है, और ये W क्या है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फाइनली यहां पे आ जाएगा E = V × Q। ठीक है, अब देखो वन सेल से कह रहा है तो वन सेल का कितना हो जाएगा, 2 × चार्ज कितना जा रहा है बच्चों, 2, तो ये हो जाएगा कितना, 4 जूल हो जाएगा पहले केस में। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ऑल थ्री सेल से कह रहा है, अब तीनों सेल को आप किस में कनेक्ट करोगे, पहले ही बोला है सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो V आया था फाइनली वो कितना आया था, 6 वोल्ट, 2 + 2 + 2। ठीक है, अब यहां पे V की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे क्योंकि ऑल थ्री सेल्स की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, E = V × Q, और यहां पे 6 रखेंगे V की वैल्यू, Q हमारा वही रहेगा 2, ये आ जाएगा 12 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सेल से 12 जूल की एनर्जी निकलेगी और 1 सेल से 4 जूल की एनर्जी निकलेगी।